हेलो गाइस, माय सेल्फ चेतना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आगे और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्पादकों का एक ऐसा समाज जो कि अपने निर्वाह के लिए खेती करता है उसे कृषक समाज कहा जाता है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर 2 एरिक वोल्फ, ऑप्शन नंबर 3 रेमंड फिर्थ, या ऑप्शन नंबर 4 स्मिथ। तो किसका कथन है ये कि लघु उत्पादकों का एक ऐसा समाज जो कि अपने निर्वाह के लिए खेती करता है उसे कृषक समाज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेमंड फिर्थ का कथन है ये, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यह भी कथन दिया गया है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है, यह कथन किसका है? यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 टीलीन स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 सैंडरसन, ऑप्शन नंबर 3 एरिक वोल्फ, या ऑप्शन नंबर 4 रेमंड फिर्थ। तो किसने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह सैंडरसन का कथन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर 2 डीएन मजुमदार, ऑप्शन नंबर 3 रेमंड फिर्थ, या ऑप्शन नंबर 4 स्मिथ। तो किसने दी थी लघु समुदाय की अवधारणा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट रेडफील्ड, इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी लघु समुदाय की विशेषता नहीं बताई है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने जो लघु समुदाय की अवधारणा दी थी उसमें उन्होंने चार विशेषता बताई थी, तो नीचे चार दी हुई है लेकिन इनमें से एक नहीं है, वो बतानी आपको कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विशिष्टता, ऑप्शन नंबर 2 लघुता, ऑप्शन नंबर 3 आत्मनिर्भरता, या ऑप्शन नंबर 4 निश्चित भूभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निश्चित भूभाग, रॉबर्ट रेडफील्ड ने निश्चित भूभाग को लघु समुदाय की विशेषता नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, यह एक बुक दी गई है, द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन नंबर 1 डीएन मजुमदार, ऑप्शन नंबर 2 बीआर चौहान, ऑप्शन नंबर 3 विलियम एच वाइजर, या ऑप्शन नंबर 4 योगेश अटल। तो किसकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम? यह बुक है विलियम एच वाइजर की, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, विलियम एच वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विलियम वाइजर ने भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किस राज्य में किया था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, या ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो किस राज्य में किया था विलियम वाइजर ने भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र में जजमानी व्यवस्था को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 अध्यय, ऑप्शन नंबर 2 बारावलूटे, ऑप्शन नंबर 3 जजमान, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, किस नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में जजमानी व्यवस्था को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बारावलूटे नाम से महाराष्ट्र में जजमानी व्यवस्था को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था का अवगुण या दोष क्या है? चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको जजमानी व्यवस्था का ये दोष बताने हैं। ऑप्शन नंबर 1 शोषण को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 2 दास प्रथा का प्रतीक, ऑप्शन नंबर 3 रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त,
सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जजमानी व्यवस्था के द्वारा शोषण को भी प्रोत्साहन मिलता है, दास प्रथा का भी प्रतीक है और रूढ़िवादिता का भी बढ़ावा मिलता है। ये सब इसके अवगुण या दोष हैं जजमानी व्यवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस युग में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर वैदिक युग, ऑप्शन नंबर 3 मध्यकालीन युग या ऑप्शन नंबर 4 धर्मशास्त्र युग। तो किस युग में थी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान? वो थी वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 33%, ऑप्शन नंबर 2 30%, ऑप्शन नंबर 3 27% या ऑप्शन नंबर 4 25%। तो क्या इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 33% स्थान महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यह एक बुक दी गई है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर 3 डेनियर लर्नर या ऑप्शन नंबर 4 योगेंद्र सिंह। तो किसकी बुक है ये, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह योगेंद्र सिंह की पुस्तक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यह भी बुक दी गई है, एक विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 मैकी मैरियट, ऑप्शन नंबर 2 योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 3 D.N. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 4 M.N. श्रीनिवास। तो किसकी पुस्तक है विलेज इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह मैकी मैरियट की पुस्तक है विलेज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय से संबंधित नहीं है? यह चार विशेषता दी गई हैं, उनमें से आपको बतानी कि कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कृषि मुख्य व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध या ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक विजातीयता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक विजातीयता ग्रामीण समुदाय से संबंधित नहीं है, यह ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। कृषि मुख्य व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध, ये सभी ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को निर्देशित एवं प्रोत्साहित करने की योग्यता रखता है तो उसकी यह योग्यता क्या कहलाएगी? ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 2 गुण, ऑप्शन नंबर 3 जाति या ऑप्शन नंबर 4 वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नेतृत्व, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए जिम्मेदार है? चार ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन नंबर 1 नगरीकरण, ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर 3 आधुनिक शिक्षा या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कारक है जो जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा, ये सभी जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए जिम्मेदार कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण कर
अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किस अवधारणा ने स्पष्ट किया है? वह कौन सी अवधारणा है जिसमें निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं? ऑप्शंस: ऑप्शन नंबर 1 प्रभु जाति, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर 3 जाति व्यवस्था या ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमीकरण। तो वह कौन सी अवधारणा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। संस्कृतिकरण में निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। संस्कृतिकरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय जनजातियों में भी पाई जाती है? ऑप्शंस: ऑप्शन नंबर 1 हाँ, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 संदिग्ध या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या पाई जाती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय जनजातियों में भी या नहीं पाई जाती? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाँ, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय जनजातियों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जाति की सदस्यता संबंधित है, किससे संबंधित होती जाति की सदस्यता? ऑप्शन नंबर 1 गुण से, ऑप्शन नंबर 2 जन्म से, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा से या ऑप्शन नंबर 4 संपत्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जन्म से। जाति की सदस्यता जन्म से संबंधित होती है, ना कि गुण से, शिक्षा से या संपत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी कृषक समाज की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कृषक समाज की विशेषता कौन सी नहीं है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर 1 कृषि मुख्य व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति से समीपता, ऑप्शन नंबर 3 एकांकी परिवार या ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक विचारों की व्यापकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एकांकी परिवार कृषक समाज की विशेषता नहीं है। कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रकृति से समीपता, धार्मिक विचारों की व्यापकता, ये सभी कृषक समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यह कथन दिया गया है, इस व्यवस्था जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक गांव के प्रत्येक जाति समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करे। यह कथन किसका है, किसने कहा है ये? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्कर लेविस, ऑप्शन नंबर 2 योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 3 डीएन मजूमदार या ऑप्शन नंबर 4 एमएन श्रीनिवास। तो किसका कथन है यह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह ऑस्कर लेविस का कथन है। तो इस तरह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।